हे हेलो एंड वेलकम टू अवर कार सीरीज़। और आज हमारे सामने है द ऑल न्यू टाटा सफारी का फेसलिफ्ट वर्जन एकम्प्लिश्ड प्लस, सबसे टॉप एंड वेरिएंट। आप ये देख रहे हैं 27 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत है इस वाले वेरिएंट की। 6 सीटर और 7 सीटर दोनों में अवेलेबल है। ऑटोमेटिक में आप ये गाड़ी देख रहे हैं, वैसे मैनुअल में भी आती है, हमारे पास ये ऑटोमेटिक में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीरियर्स, कमाल है यार। बेज एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में क्या लग्जरी इंटीरियर्स बनाए हैं टाटा सफारी में, ये तो भाई काबिले तारीफ़ है। फ्रंट की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिल जाएंगी और ये है सेकेंड रो की सीट, देख सकते हैं कितनी कमाल के इंटीरियर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। 3 मेमोरी फंक्शन आते हैं सीट्स के अंदर, तो चलिए बैठ के देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह की सीटिंग रहने वाली है, काफ़ी कमाल है भाई, बहुत ही शानदार यहाँ पर कंफर्टेबल सीटिंग है टाटा सफारी की, कमाल नाइस। और 3 मेमोरी फंक्शन यहाँ से सेट होंगे, देख सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं मेमोरी फंक्शंस। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, दोनों साइड की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और ये ऑटोमेटिक वर्जन आप ये देख रहे हैं, देखिए गियर नॉब कितना लग्जरी बनाया है। और जो पार्किंग ब्रेक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, और यहाँ पर नॉब दिया है मोड चेंज करने के लिए। और ये स्टेयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शंस में, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम उसकी स्क्रीन रियल में काफ़ी शानदार है। JBL के सराउंड साउंड सिस्टम इसमें लगाए गए हैं, काफ़ी शानदार स्पीकर्स ये रहते हैं JBL के, वो तो वही बहुत ही शानदार। यहाँ पर कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन दिया है, वुडन फिनिश स्टेयरिंग व्हील सॉरी डैशबोर्ड पर। यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं है, लेकिन उस साइड आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट भी मिल जाएगी। फुल पैनोरामिक सनरूफ देख सकते हैं, यहाँ पर फुल पैनोरामिक सनरूफ बनाई गई है, तो काफ़ी शानदार यहाँ पर सनरूफ वगैरह मिलने वाली है आपको। यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लाइट, SOS का फीचर भी यहाँ पर दिया है। और एल्यूमिनेटेड जो लोगो है वो यहाँ पर आता है न्यू स्टीयरिंग व्हील पर, कुछ इस तरह से यहाँ पर वुडन टच दिया है जो बिल्कुल ही वुडन फिनिश में लगती है, काफ़ी शानदार। इंफोटेनमेंट सिस्टम 12.3 इंच का दिया है, काफ़ी शानदार, बिल्कुल ही आपको मज़ा आ जाएगा इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग के साथ 4 ट्विटर्स और 5 स्पीकर और 1 सबवूफर, टोटल आपको 10 स्पीकर्स मिल रहे हैं, कमाल है भाई, क्या साउंड रहने वाला है गाड़ी के अंदर, अमेजिंग। इंफोटेनमेंट सिस्टम कितना स्लीक डिज़ाइन में बनाया गया है, 12.3 इंचेस का, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सब सपोर्ट करेगा, यहाँ पर सबवूफर है। और चलिए अब देखते हैं पीछे की क्या हाल है भाई, गाड़ी के पीछे लुक्स देखते हैं। तो उससे पहले यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉनिकली IRVM यहाँ पर मिल रहा है, कमाल है भाई। और ADAS का फीचर भी यहाँ पर ऊपर की साइड दिया गया है इस गाड़ी में, बहुत ही शानदार गाड़ी ये रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको फुल पैसा वसूल है, क्योंकि 27 लाख रुपये में इतने सारे जो फीचर हैं वो आपको मिल रहे हैं गाड़ी के अंदर, बिल्कुल कमाल के आपको इंटीरियर्स वगैरह सारी चीज़ें। सेकंड रो में आपको यहाँ पर एक कर्टेन मिलेगा, मैनुअली कर्टेन, तो ये प्राइवेसी वगैरह के लिए काफ़ी सही चीज़ है। तो यहाँ पे एक मैनुअल कर्टेन दिया है, और डोर पर स्पीकर, यहाँ पर JBL की ब्रांडिंग दी है ट्विटर्स पर, और ये जो हैंडल है काफ़ी प्रीमियम बनाया है, कमाल है। सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड पर भी मिलता है और इस गेट पर भी मिलेगा, सभी गेट्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल। और ये टाटा वाले कितनी शानदार यहाँ पर स्पेस देते हैं गेटों में भाई, बहुत ही शानदार। तो देख सकते हैं सेकंड रो की सीट कुछ इस तरह की रहने वाली है भाई, ये जो गैप है देख सकते हैं, कुछ इतना आपको गैप बच रहा है, और ऊपर जो हाइट है कुछ इस तरह की हाइट आपको मिल रही है। मेरी हाइट 5.10 इंचेस के करीब है, तो इसके हिसाब से ये जो चीज़ आपको सेकंड रो में मिल रहा है कंफर्ट, काफ़ी शानदार यहाँ पर कंफर्ट रहने वाला है। और LED लैंप यहाँ पर लगाए गए हैं, ग्रैब हैंडल वगैरह, तो देख सकते हैं काफ़ी जो स्पेशियस है वो तो बनाया है। और ये जो आप सीट्स हैं वो देख रहे हैं, पीछे से आप आगे वाली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और यहाँ पर एक टाइप ए और टाइप सी का पोर्ट मिलता है, देख सकते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है। और ये मैप पॉकेट यहाँ पर दी गई है, दोनों साइड आपको मैप पॉकेट मिल जाएंगी। और पीछे AC वेंट काफ़ी शानदार काम करते हैं। और यहाँ पर है आर्मरेस्ट विद 2 इनकपमेंट होल्डर्स, तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे, तो देख सकते हैं भाई काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर। हाँ, एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, जो एक समझ लीजिए पिलो टाइप में आपको मिल रहा है एडजस्टेबल पिलो, काफ़ी अमेजिंग लग्जरी में, तो भाई क्या कहने यार, क्या सफारी में क्या बनाया ये चीज़ है, एक नंबर भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टिल्ट हो जाती है 60-40, तो इससे आप क्या है कि एडजस्ट कर सकते हैं सीट को सेकंड रो की, और पीछे भी जा सकते हैं यहीं से।
तो यहाँ पर एक कैमरा पीछे मिलता है, 360 व्यू कैमरा है पूरी गाड़ियों में, ORVM वगैरह पे सब पे कैमरे लगाए गए हैं। पीछे का कैमरा यहाँ पर लगा गया है, ठीक है। तो ये हो गया पीछे का कैमरा, और 360 व्यू आपको जो फ्रंट है उस पर भी कैमरा मिलता है, ORVM वगैरह सभी पे कैमरे मिलेंगे। और यहाँ पर आपको स्टेपनी मिल जाती है जो स्पेयर व्हील, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का काफ़ी शानदार है, हमेशा की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो यहाँ पे आप देखते हैं थर्ड रो में कैसे एंटर होगा, तो चलिए थर्ड रो की तरफ। यहाँ से ये टंबल हो जाती है सीट, और ये अब चलते हैं हम अलॉय व्हील की डिज़ाइन देख लीजिए, 19 इंचेस का डायमंड कट अलॉय व्हील। अभी हम दिखाएंगे अलॉय व्हील तरीके से, पहले हम देख लेते हैं थर्ड रो में कैसे क्या एंटर होते हैं, क्या स्पेस है। तो ये स्पेस भाई थर्ड रो में बनती है, ये है भाई। मेरे ख्याल से थर्ड रो में स्पेस मेरे लिए तो थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। तो ओवरऑल स्पेस आप देख सकते हैं वैसे सही है स्पेस, कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं है। यहाँ पे भी ये एसी वेंट आपको मिल जाते हैं, और एक ये टाइप सी का पोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है, टाइप ए भी मिल जाता है, कप होल्डर भी यहाँ पर दिया गया है थर्ड रो में, ठीक है। तो ये हो गए अपने थर्ड रो की जो कम्फर्टेबल है ये जो सीट्स हो गई, और यहाँ से आप फ़ैन को एडजस्ट कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड वगैरह, एसी के फ़ैन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की ये चीज़ें लगाई गई हैं। यहाँ पर भी एक कप होल्डर मिल जाएगा, तो लग्जरी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और ये है भाई केबिन, कमाल है, थर्ड रो से क्या लग रहा है भाई, लग्जरी, कमाल की लग्जरी है, अमेजिंग भाई यार सफारी में। एक यहाँ पर भी लैंप मिल जाता है काफ़ी अच्छा, बड़े ह्यूज साइज़ का लैंप यहाँ पर दिया गया थर्ड रो के लिए। तो भाई ये है यार कमाल है। तो यहाँ पर स्पेस देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्पेस है। मेरे को बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कुछ ज़्यादा की इतनी दिक्कत नहीं है, सिर्फ लेग रूम थोड़ा सा कम था। यहाँ पर एक ग्लास, और ओवरऑल काफ़ी खुला खुला इंटीरियर है, काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर लगता है बेज कलर की वजह से। गाड़ी के अंदर गूगल और एलेक्सा कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट मिलता है, तो कमाल की गाड़ी यहाँ पर बनाई है टाटा वालों ने। और सेफ्टी में तो भाई फुल में से फुल स्टार मिलते हैं टाटा की गाड़ियों को ज़्यादातर, तो टाटा सफारी को भी फुल स्टार मिले हैं। साथ साथ एयरबैग इस गाड़ी में दिए रखे हैं, एंटी थीफ अलार्म वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स ये सब चीज़ें आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड करा रहे हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह, पैसेंजर एयरबैग, साइड एयरबैग, कर्टेन एयरबैग, तो भाई काम किया गया है, टायर प्रेशर मोनिटर, ठीक है। तो और इंजन इमोबिलाइज़र, कैमरा विद गाइडलाइंस, स्पीड अलर्ट, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग, ये सारी चीज़ें सेफ्टी में आपको मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं पैसेंजर साइड का सीट का क्या हाल है भाई, वहाँ से देखते हैं पैसेंजर साइड, तो उससे आ जाते हैं बाहर। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे आपको थर्ड रो की मैंने सीट वगैरह दिखाई, अब हम देखते हैं इसमें अलॉय व्हील। हाँ ये भाई अलॉय व्हील की डिज़ाइन देख लें यार, उसका साइज़ वगैरह, ये डिज़ाइन है कमाल की डिज़ाइन है यार, अच्छी लग रही है, सूट कर रही है गाड़ी पे। इसमें आपको 19 इंचेस डायमंड कट काफ़ी शानदार अलॉय व्हील दिया गया है, और इस साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा ड्राइवर साइड, सॉरी को ड्राइवर साइड, और ये सीट्स हैं भाई को ड्राइवर साइड की, को ड्राइवर साइड की सीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर फुली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल दी गई हैं, और कुछ इस तरह से यहाँ पर वेंटिलेटेड, ये भी यहाँ से वेंटिलेटेड आपको सीट मिल जाएंगी सेकंड तरफ की भी। तो भाई ये है आपके वेंटिलेशन के स्विच, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स ये बनाई गई हैं, कुशनिंग वगैरह काफ़ी ध्यान रखा गया है, और सबसे बेस्ट पार्ट में ये वुडन टच का लगा भाई। और यहाँ पे आप कूल्ड ग्लव बॉक्स देख रहे हैं, और काफ़ी प्रैक्टिकली है यहाँ पर ग्लव बॉक्स, तो भाई टाटा वाले बहुत शानदार बनाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है ग्लव बॉक्स, यहाँ पर वुडन फिनिश कमाल की, और फ्रंट में पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है, ऊपर की साइड पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल, काफ़ी कमाल है भाई। और जो सेंटर का कॉन्सोल है भाई उसमें भी काफ़ी लग्जरीपन है, सब एक नंबर गाड़ी में बनाया गया है। इंजन भी आपको इसमें 2.0 लीटर का काफ़ी तगड़ा मिल जाता है, 350 NM का टॉर्क से ये जनरेट करती है गाड़ी। यहाँ पर भी सफारी की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, और ये 360 व्यू ORVM पर कैमरा, ऑटो फोल्डेबल और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM है, और ऊपर सनरूफ, शार्क फिन एंटीना वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। डुअल टोन का कलर है, ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे। और यहाँ पर वाइपर्स दिए हैं, और ऊपर एडास का जो सेंसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, कुछ इस तरह पर यहाँ पर एडास का सेंसर लगाया गया है। कमाल की गाड़ी है भाई टाटा सफारी, लुक्स वगैरह और ये इंटीरियर्स अमेजिंग बनाए हैं,
और एडास के काफ़ी शानदार इसमें फीचर्स दिए हैं। स्मार्ट जो सेंसिंग होती है वो चीज़ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और फ्रंट में एलईडी फॉग लैंप और प्रोजेक्टर एलईडी हेड लैंप्स ये दोनों आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा थ्रो है लाइटिंग का और ग्रिल टाटा का लोगो फ्रंट में, ये कैमरा यहाँ पर है। और जो ये डिज़ाइन है ये वाला, ये उभरा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये ईवी जैसा भी डिज़ाइन ये लगता है और वैसा भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ये सिल्वर कलर की स्किड प्लेट नीचे लगाई गई है और यहाँ पर हैं DRLs जो सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर जल देंगे तो काफ़ी शानदार लगते हैं ये। तो अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो इसमें आपको 420 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा अगर आप थर्ड रो की सीट को फोल्ड करेंगे, और सेकंड रो की सीट फोल्ड करने पर 827 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। तो ये थी टाटा सफारी फेसलिफ्ट। गाड़ी आपको कैसे लगी, रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट से बताइएगा। थैंक यू।